टर्की में राष्ट्रपति चुनाव एक डायरेक्ट वोटिंग सिस्टम है जहां पर 50% से ज्यादा वोट प्राप्त करने वाला उम्मीदवार जीत जाता है। अभी के जानकारी के लिए जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के लीडर एर्डोगन को पहले दौर में लगभग 49.51% वोट मिला है, जबकि द रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी के लीडर किलिक डारोग्लू को बस 44.89% वोट मिला है। जब किसी भी राष्ट्रपति उम्मीदवार को आधे से अधिक वोट नहीं मिलता है तो दूसरे चरण में एक मतदान होता है जिसको सेकेंड राउंड कहा जाता है। इसका मतलब आने वाले 2 हफ्ते में कैंपेनिंग दोनों पार्टियों के तरफ से बहुत जोर शोर से होगा। टर्की के साथ अमेरिका और यूरोपियन यूनियन का जियोपॉलिटिकल रिलेशन कैसे रहेगा, ये चुनाव उसका एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से नाटो का मेंबर होने के बाद भी टर्की धीरे धीरे करके रशिया की तरफ जा रहा है।